अस्सलाम सलाम चाचा, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह, शुक्र है सब खैरियत से, मजे में जी, सब खैरियत से, अल्लाह शुक्र है सब खैरियत। अच्छा, आपसे कुछ सवाल करना था कि आप तो जानते होंगे कि गवर्नमेंट बजट वगैरह पेश करती रहती है, ठीक है। तो हाल ही में फिर एक और मिनी बजट पेश हुआ है इमरान खान की गवर्नमेंट का। तो अब उसमें क्या है कि GST गवर्नमेंट सर्विस टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए, तो उस पे आवाम, उस चीज़ का आवाम पे क्या असर पड़ा है? कुछ आपको अगर इस बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये टैक्स जो इन्होंने बढ़ाना था, अब ये गवर्नमेंट तो हमें तो समझ में नहीं आता। देखें कि ये इस मुल्क के अंदर जो है, ये ज़्यादातर ये मिसालें देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है और पाकिस्तान जो है वो दुनिया से महंगाई से कम तरीन मुल्क है। लेकिन आप देखेंगे बैरूनी मुल्क जो जितने भी हैं उसमें उनकी जो इनकम, उनकी तनख्वाहें, वहाँ फैसिलिटीज़ है, हमारे मुल्क के अंदर वो चीज़ नहीं है। तनख्वाह यहाँ पर महदूद है। अब यहाँ पर तनख्वाहदार तबका जो है उसकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा नहीं हुआ, वो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ तो अफेक्ट तो पड़ना है, पब्लिक तो ये देख रही है ना कि उसमें आपने जो स्लोगन दिया था उसके ऊपर आपने अमल कितना किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये वही का वही सारा है। अब ये बजट जो आया है तो इसका तो अफेक्ट तो पड़ना है। देखिए, अब पेट्रोल की कीमत जो है उसके अंदर इजाफा होता है तो लामाला जो है हर चीज़ के ऊपर जो है इजाफा होगा, ट्रांसपोर्ट में इजाफा हो जाएगा और ज़रूरियात अशिया की हर चीज़ के ऊपर जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो ये तो महंगाई तो है, ये तो और बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि भाई देखे, यहाँ इनकी महंगाई है तो आप उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफा करते, कुछ पैसे बढ़ाते। अब ओल्ड बेनिफिट जो है, मैं UBI पेंशनर हूँ, अब ये देखें कि हमें 8,500 रुपये मिलते हैं। अब वो 8,500 रुपये में मैं तो ये समझता हूँ कि बिजली का जो बिल आता है मेरा घर का, वो 8,500 के अंदर भी 2-3,000 रुपये ऊपर डालकर जो है वो बिजली का बिल जो है वो पेमेंट करा। बिजली महंगी हो गई है। ये मिनिस्टर हैं, यहाँ पर MPS हैं, इनके MN हैं, ये पब्लिक के पास जाएं और ये इसके ऊपर एहतजाज करें, गैस के ऊपर एहतजाज करें। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा और ये आने वाले वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि ये महंगाई और बढ़ेगी। आप ये देखें कि गरीब आदमी का जीना दुबर हो गया है, समझे। अब आप ये देखें कि इन्होंने ये सेहत कार्ड दिए हुए हैं, आप ये देखें कि सेहत कार्ड जो है वो दिए हैं पंजाब के अंदर, KPT में वहाँ दिए हुए हैं, अभी सिंध का भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम लॉन्च करेंगे, सिंध का भी कर रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि वो जो उन्होंने जो दिया हुआ है उस पर वो जाते हैं लोग, वो दवाइयाँ जो है वो कहते हैं परचेस करें आप, समझे। और यहाँ सिंध गवर्नमेंट में पहले ये हॉस्पिटल में तो यहाँ है, मैं समझता हूँ कि मैं जाता रहता हूँ हॉस्पिटलों के अंदर, ब्लड प्रेशर है मुझे, शुगर भी है, सब NSVD हो गया या जिना वगैरह है, ये यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, हमसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, वो दवाइयाँ भी देते हैं, तमाम इलाज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए और ये शहद कार्ड देते हैं तो मैं इनको आसान तरीका, ये ओल्ड बेनिफिट के लोग बेचारे, ये 8,500 रुपये इनको मिलती है, तो कम से कम इनको जो है शहद कार्ड दे दिया। ये तो आपके पास उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, बैंक के थ्रू है, वो उनके थ्रू है, आपको देने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे करने की ज़रूरत नहीं। तो ये तो कोई काम जो है वो हिसाब से नहीं होता है। ये बस ये सिर्फ यहाँ पर जो है आजकल नारेबाजी है, TV के ऊपर देखें, एक दूसरों के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, सारा का सारा दिन जो है वो झूठ बोलते हैं। 7 बजे से शुरू होते हैं तो रात को 11 बजे, मैं ये नहीं कहता, दोनों तरफ है। तो ये कोई पब्लिक के लिए कोई बात ही नहीं करता, महंगाई के ऊपर होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए। और ये तो मैं समझता हूँ अगर ये नहीं करेंगे तो ये लावा जो है ये पक गया है। अब सिर्फ जो है वो आप ये समझें कि बारूद के ऊपर जो है आप खड़े हुए हैं और माचिस की तिली जलाने की ज़रूरत है।
ये लावा फट जाएगा, ना ये हुकूमत संभाल पाएगी, ना अपोजिशन संभाल पाएगी, और लोग जो है खुदरों निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, पता नहीं क्या होगा इस मुल्क के अंदर। तो हमें तो तमाम लोगों से गुजारिश है और फौज के हुक्मरानों से भी गुजारिश है कि भाई आप जो है थोड़ा सा इनको देखें। एक अदारा हमारे पास फौज का रह गया है, उसके ऊपर लोगों की निगाहें आस उन्हीं से, तो इनको मुदाखलत करनी चाहिए, इस काम में मुदाखलत करनी चाहिए कि महंगाई के ऊपर इनसे इनसे कोई पूछता नहीं है, समझे। तो मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तान के अंदर तो यही सूरत हाल रही तो ये तो बहुत ही हालात ख़राब हो जाएंगे। आप तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो लोग भूखे मर रहे हैं। आप जाके देखें, आप जाके देखें, न्यू कराची देखें, लांडी देखें, कोरंगी देखें, ये जो गरीब आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियों में देखते हैं लोग एक टाइम का खाना खा रहे हैं, तीन टाइम का खाना खाते थे, एक टाइम का खाना खा रहे हैं। मेरे खुद हैं, हमारे घर के अंदर जो है वो तीन टाइम का खाना खाते थे, अब हमने दो टाइम का खाना कर दिया। सुबह गैस नहीं होती, नाश्ता नहीं होता, बाजार से हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक सालन की प्लेट आप लेने जाएं या दाल की प्लेट लेने जाएं, 100 रुपये वो ले लेते, 15 रुपये की रोटी दे देते। तो ये गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ये कैसे आप कर रहे हैं, आप ये मदीना की रियासत और ये रियासत, और बिला वजह की नारेबाजी इस्लाम का मुकद्दस नाम को इस्तेमाल करके। पहले ज़ियाउल्लाह ने इस्लाम का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बनाया यहाँ पर, अब ये इमरान खान जो है ये रियासत मदीना, रियासत मदीना में ये है, रियासत मदीना के अंदर इंसाफ होना चाहिए। आपने इंसाफ कहाँ किया है? आपने अपने इर्द गिर्द जो है वो तमाम के तमाम चोर डकैत जितने आप जो कहते थे वो तो सारे अपने कट्ठे खड़े किए हुए हैं आपने, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत अच्छा आपने अपना शेयर किया है ओपिनियन वगैरह।